सब्सक्राइब करिए श्री करिएमियो यूट्यूब चैनल और बेल आईकॉन दबाकर सभी लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले पाइए हेलो फ्रेंड्स माय सेल्फ डॉक्टर सत्या और श्री होम्यो के इस नए वीडियो में मैं आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ दोस्तों आज हम आपके साथ शेयर करने वाले है बहुत ही अच्छे बहुत ही ताकतवर मखाने के बारे में जानेंगे आखिर ये मखाना क्या होता है इसके क्या हेल्थ बेनिफिट्स हैं और आप किन किन समस्याओं में इसका प्रयोग कर सकते हैं तो आइए दोस्तों इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं क्या आप अपनी हेल्थ प्रॉब्लम से परेशान हैं? तो समय गवाए बिना बेस्ट होम्योपैथिक ट्रीटमेंट पाने के लिए अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल बेलाइकॉन दबाएं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी दोस्तों से कहना चाहूंगी जो भी हमारे चैनल श्री पे पहली बार आ रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल बेलाइकॉन को टैप कर लें क्योंकि इस तरह के नॉलेज हम आपके लिए रोजाना लेकर आते रहते हैं तो दोस्तों मखाने के बारे में सुना होगा कई लोग इसका सेवन भी करते होंगे जैसा कि हम सभी जानते हैं मखाना जो होता है एक ड्राई फ्रूट होता है इसे आप फॉक्स नट या कमल के बीज के नाम से भी जानते हैं मखाना सेहत से भरपूर होता है और इसके अंदर बहुत सारी एनर्जी होती है इसके अंदर आपको पोटेशियम इसके अंदर आपको आयरन जिंक मैग्नीज और कैल्शियम भरपूर मात्रा में मिलता है मखाने बीमारियों में आपके लिए बहुत ही ज्यादा फायदेमंद साबित होते हैं जिसमें सबसे पहला आपका हेल्थ बेनिफिट है वीकनेस में बहुत सारे लोग कंप्लेन करते हैं कि उन्हें बहुत ज्यादा कमजोरी रहती है ये कमजोरी महिला और पुरुष दोनों के लिए ही अगर दोनों को ही फिजिकल वीकनेस है किसी भी तरह की फिजिकल वीकनेस आप मखाने का सेवन कर सकते हैं ये आपके बॉडी में बहुत सारी एनर्जी देगा खास पे वो महिलाएं जो कंसीव करना चाहती हैं या जो प्रेग्नेंट हैं उन सभी के लिए मखाने बहुत ज्यादा फायदेमंद होते हैं क्योंकि ये एनर्जी से भरपूर होते हैं और आपको हेल्प करते हैं आपको स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं इसके साथ-साथ मेल जो मेल बहुत ज्यादा फिजिकल वीकनेस की वजह से बहुत ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है उनको तो ये मेल में भी स्ट्रेंथ को बढ़ाता है इसके साथ-साथ जो डायबिटीज के मरीज रहते हैं उनको काफी ज्यादा वीकनेस की शिकायत रहती है तो ये डायबिटीज के पेशेंट्स के लिए भी बहुत फायदेमंद है क्योंकि ये आपके शरीर में एनर्जी भी देता है और कैलोरी भी काफी कम होती है इसमें कार्बोहाइड्रेट के सेवन से भी आप बचते हैं और आपके बॉडी में भरपूर न्यूट्रिशन और एनर्जी दोनों ही मिलती हैं इसके साथ साथ दोस्तों जो पोस्ट प्रेगनेंसी यानी प्रसव के बाद जो दर्द रहता है उसमें भी ये बहुत अच्छा काम करता है आपको दर्द से निजात दिलाता है और आपकी बॉडी में एनर्जी भी देता है तो पोस्ट प्रेगनेंसी भी मखाने का सेवन किया जाता है इसके साथ साथ दोस्तों कई लोगों को अक्सर आपने सुना होगा जोड़ों में दर्द रहता है तो ये जो जोड़ों में दर्द रहता है आपको ये मखाने खाने से आपको जो कैल्शियम की के कमी हो गई है जो जोड़ों में दर्द हो रहा है उसमें भी राहत मिलती है और उन सभी लोगों के लिए बहुत यूजफुल है जो एक एज तक आ गए हैं उनका एज बहुत ज्यादा हो गया है और अब उनको जोड़ों में दर्द की समस्या रहती है तो मखाने के सेवन से आपको बहुत ही अच्छे हेल्थ बेनिफिट मिल जाएंगे इसके साथ साथ दोस्तों यदि आपको हार्ट ट्रबल्स है या आपको किडनी की परेशानी है इन कंडीशन में भी मखाने का सेवन बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहता है क्योंकि मखाने में बिल्कुल भी कोलेस्ट्रॉल नहीं होता है और आप इसके सेवन से जो इसके अंदर पोटेशियम है वो आयन बैलेंस को भी रेगुलेट करता है आपके बीपी को भी रेगुलेट करता है तो हार्ट के लिए भी मखाना बहुत अच्छा होता है इसके साथ साथ किडनी के लिए किडनी के लिए भी मखाना बहुत अच्छा होता है किडनी को जो भी ब्लड प्यूरिफिकेशन करना पड़ता है उसके लिए भी ये किडनी में बहुत ही अच्छा हेल्पफुल रहता है तो मखाने के सेवन से आपकी बॉडी में बहुत अच्छी स्ट्रेंथ और एनर्जी आती है और साथ ही साथ कई सारी बीमारियों में ये यूजफुल रहता है तो दोस्तों आई होप आपको ये पता चल गया होगा कि मखाने इतने ज़्यादा यूजफुल क्यों हैं और हमें इन्हें क्यों खाना चाहिए अब बात कर लेते हैं, मखाने का सेवन किस प्रकार से किया जाए मखाने आप यदि आपको कोई हार्ट ट्रबल नहीं है तो आप मखाने का सेवन दूध के साथ कर सकते हैं आप थोड़े से गुनगुने दूध में कुछ मखाने डालकर इसको पी सकते हैं रेगुलर बेसिस पे मॉर्निंग में यदि आपको पेट की समस्या लाइक like, दूध नहीं पसता हो या आपको बीपी का प्रॉब्लम रहता हो तो आप क्या कर सकते हैं मखानों को रोस्ट कर सकते हैं भून करके थोड़ा सा काला नमक डालकर आप मखानों का सेवन कर सकते हैं स्नैक्स के रूप में आप अनहेल्दी चीजें खाने की जगह यदि इवनिंग के टाइम आप चाय के साथ मखाने ले रहे हैं तो वो ज्यादा अच्छा रहेगा आपकी सेहत के लिए आपको स्ट्रेंथ भी मिलेगी एनर्जी भी मिलेगी और आप एक्स्ट्रा कैलोरी भी नहीं लेंगे तो जो लोग वजन कम करना चाहते हैं वेट से भी परेशान है उन लोगों के लिए भी मखाना बहुत यूजफुल रहता है क्योंकि आपके पेट को भरता है कैलोरी भी कम रहती है और आपको स्ट्रेंथ भी भरपूर मिल जाती है तो वेट लॉस करने वालों के लिए भी मखाना बहुत ही अच्छा डाइट है आप मखाने का सेवन कर सकते हैं और आपने देखा ही होगा कि मखानों में इतनी एनर्जी होती है कि आप कोई भी व्रत उपवास ऐसा कुछ करते हैं तो आपको मखाने बहुत से लोग भून कर खाते हैं वो इसीलिए खाए जाते हैं क्योंकि आपने पूरा दिन भले ही खाना ना खाया हो उन थोड़े से मखानों से आपको बहुत सारी एनर्जी बहुत सारे न्यूट्रिशन मिल जाता है तो ये तो था मखाने के बारे में आई होप आपको ये जानकारी पसंद आई होगी पसंद आ रही है तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करिएगा चैनल पे पहली बार है तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा और वीडियो को शेयर जरूर करिएगा फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत मिलते इसी तरह के अगले वीडियो में तब तक के लिए नमस्कार जय हिंद जय भारत